इस स्टोरी में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कंजंक्शन नीदर की, जो कि यूज किया जाता है नॉर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शहद के एक जार पर मक्खियों का एक झुंड आकर्षित हुआ को हम लोग इंग्लिश में ले सकते हैं गॉट अट्रैक्टेड। मक्खियों का एक झुंड को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अ बंच ऑफ फ्लाइज। तो चलिए बना लेते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अ बंच ऑफ फ्लाइज गॉट अट्रैक्टेड ऑन अ जार ऑफ हनी। जो एक गृह स्वामी के घर में पलट गया था। पलट जाना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवरटर्न्ड। पलट गया था तो हम इसको इंग्लिश में ले सकते हैं हैड ओवरटर्न्ड। चलिए बना लेते हैं इसकी भी इंग्लिश। विच हैड ओवरटर्न्ड इन अ रूम ऑफ अ हाउस ओनर। वे उसमें अपने पैर रखकर लालच से खाने लगी। लगी के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप स्टार्टेड ले सकते हैं। लालच से खाना डेट मीन्स टू ईट ग्रीडीली। दे स्टार्टेड टू ईट इट ग्रीडीली बाय कीपिंग देयर फीट इन इट। अब उनके पैर शहद से इतने चिपचिपे हो गए थे कि वे अपने पंखों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थीं। चिपचिपे, चिपचिपे को हम लोग इंग्लिश में ले सकते हैं स्टिकी। इतने चिपचिपी को हम लोग बोलेंगे सो स्टिकी। नाउ देयर फीट हैड बिकम सो स्टिकी विथ द हनी डैट दे कुड नॉट यूज देयर विंग्स। ना तो वे खुद को मुक्त कर सकी और ना ही उड़ सकी। यहाँ पर हम ना तो और ना ही के लिए नीदर और नॉर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक तरह के कंजंक्शंस हैं। नीदर एक कंजंक्शन है जो कि नॉर के साथ यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। कंजंक्शंस जैसा कि आप जानते ही होंगे, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। वे खुद को मुक्त ना कर सकी और दूसरा सेंटेंस है वे उड़ ना सकी। इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग कंजंक्शन नीदर और नॉर के साथ जोड़ रहे हैं। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं इनका। मुक्त को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे रिलीज। नीदर दे कुड मेक देमसेल्फ्स रिलीज नॉर फ्लाई। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश में कंजंक्शंस के साथ अगर सब्जेक्ट पहले सेंटेंस का और उसका ऑक्सिलरी वर्ब डेट इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और उसकी हेल्पिंग वर्ब कुड है, और दूसरे सेंटेंस में भी अगर सेम ही यूज हो रहा है तो हमें दूसरे वाले सेंटेंस में उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि नीदर दे कुड मेक देमसेल्फ रिलीज नॉर दे कुड फ्लाई, तो हम यहाँ पर दे कुड को हटा सकते हैं और सीधे उसको हम लिख सकते हैं नीदर दे कुड मेक देमसेल्फ रिलीज नॉर फ्लाई। सिंपल है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। उन्होंने खुद से कहा हम कितने मूर्ख प्राणी हैं। थोड़ी खुशी के लिए हमने खुद को नष्ट कर दिया है। They said to themselves how foolish creatures we are. For the sake of a little pleasure
वी हैव डिस्ट्रॉयड आर सेल्व्स। वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।